अस्सलाम वालेकुम माय ऑल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, हैप्पी हेल्थी होंगे और माशाल्लाह से सबके रमज़ान अच्छे से गुजर चुके होंगे और रमज़ान का अलविदा है और ईद की आमद आमद है और माशाल्लाह से रमज़ानुल मुबारक आकर चला जाता है बहुत ही जल्दी और हर कोई यही कहता है कि पता ही नहीं चलता कि ये महीना माशाल्लाह से कब आया और कब चला गया। और ये उसी दिन का क्लिप है जिस दिन मैं अपने बेटे के कपड़े खरीदने के लिए गई हुई थी और मैं अपने लिए भी कुछ देख रही थी लेकिन मैंने अपना क्लिप जो है वो सेपरेट कर लिया था। मैंने सोचा कि जब मैं आपको अपनी ईद की शॉपिंग दिखाऊंगी या अपनी ईद की प्रिपरेशन या क्लोथ दिखाऊंगी तो उसमें मैं आपको ये वाला क्लिप ऐड कर दूंगी। तो यही बस अजमान सिटी सेंटर ये हुए थे, बेसिकली मुझे देसी कपड़े तो नहीं लेने थे, देसी कपड़े इन द सेंस के जो पाकिस्तानी हमारे ड्रेसेस होते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी मेरे पास पड़े हुए थे और वैसे भी मैं यहाँ पे स्टिचिंग के झंझलों में बिल्कुल भी नहीं पड़ती, ना तो इतना टाइम होता है क्योंकि शारजा जाना पड़ता है, कुछ भी स्टिच करवाना पड़ेगा और क्योंकि अजमान में मुझे किसी टेलर का नहीं पता तो फिर आना जाना टेलर को देना लेना, तो मैं हमेशा सिले सिलाए कपड़े ही ले लेती हूँ क्योंकि वो आपको ज़्यादा इजी टू वेयर रहते हैं पहनने में। और इस दफ़ा तो कपड़े जो हैं वो लास्ट ईयर जितने भी निकाले थे वो भी लॉकडाउन की वजह से नहीं पहने जा सके। तो मैं जब पाकिस्तान में गई थी तो माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा मैं कपड़े लेकर आई थी और उन्हीं में से मैंने ईद के एक दो ड्रेसेस निकाले हैं क्योंकि वो अभी बिल्कुल अनटच है मेरे, बिल्कुल भी एक दफ़ा नहीं पहनेंगे क्योंकि यहाँ पे ये हिसाब होता है कि अबाया पहनो बाहर निकलो, कोई ज्वेलरी नहीं पहनने का टाइम मिलता, कोई फैंसी कपड़े इस तरह का कुछ भी पहनने का ना तो कोई मौका आता है और ना ही टाइम मिलता है और ना ही यहाँ पे ऐसी कोई गेट टू गैदरिंग है अभी फिलहाल के लिए, लेकिन इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में होगी तो इस तरह के कपड़े भी सारे यूज होंगे। तो ज़्यादातर अब आया ही चलता है बाहर जाने में। तो बस यहाँ पे मैं H&M में आई थी क्योंकि पाकिस्तानी सूट्स जो हैं, जो शलवार कमीज़ वगैरह वो तो मैं वही यूज़ करूँगी जो मेरे पास घर में पड़े हुए हैं अनटच, इंशाल्लाह ताला मैं आपको नेक्स्ट क्लिप में दिखाती हूँ। और यहाँ पे मैं H&M में आई थी और मैं देख रही थी कि मैं कौन से कपड़े यहाँ से लूँ अपने ईद के लिए। मैं एक दो टॉप लेना चाह रही थी और जीन्स तो माशाल्लाह से मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पड़ी हुई हैं और बस ये देख रही थी मैं, ये वाला टॉप मुझे बहुत अच्छा लगा था, ये रेड कलर का था और ये ऑफर में था 70 दरम का, लेकिन इतना रेड मेरा लेने को बिल्कुल भी दिल नहीं जा रहा था। तो बस ये वाला अच्छा था लेकिन इसका प्रॉब्लम ये था कि इसके नीचे कट्स थे तो वो भी मुझे इतना अच्छा नहीं लगा और ऐसा पहले भी मेरे पास है। तो ये है कि बेटे की माशाल्लाह से शॉपिंग हो गई, सारी चीज़ें हो गई और टोटली शॉपिंग होके रह गई है लेकिन अभी ईद आ गई है और समझ नहीं आ रहा कि ईद पे क्या करना है, कोई प्लानिंग नहीं है कहाँ जाएंगे। यही होता है कि किसी मॉल्स में चले जाएं और या रेस्ट करके ईद का टाइम गुजर जाता है, इसी तरह ईद भी गुजर जाती है। तो लाइफ अभी थोड़े से अप एंड डाउन में है, कुछ सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं लाइफ के, इंशाल्लाह ताला से जब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो फिर ईद मनाने का भी मज़ा आएगा और हर जगह जाने का भी मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला। और अच्छे और बुरे वक्त हर इंसान के साथ आते रहते हैं, वक्त कभी भी ठहरा नहीं रहता, पानी की तरह है बह के आगे से आगे चला जाता है वक्त भी। और यहाँ पर मैं आपको दिखाती जाती हूँ कि ये वाला टॉप जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, ये वाला टॉप मैंने ले लिया था और मैं इसमें थोड़ी सी कंफ्यूज हो रही थी, इसके साथ मैं ब्लैक जीन्स पहनूंगी और ऊपर स्कार्फ होगा। तो सिंपलिसिटी इज द बेस्ट, यहाँ पे सिंपलिसिटी ही चलती है, अबाया सबसे ज़्यादा महजिब लिबास है यहाँ का और ज़्यादातर लोग यहाँ पे अबाया ही पहनते हैं और मैं भी वही पसंद करती हूँ। तो आई होप आपको पसंद आएगा मेरा ईद का व्लॉग भी, जो मैंने कपड़े आपके साथ शेयर किए हैं। तो व्लॉग पसंद आएगा तो लाजिम सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो चलती हूँ, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये लेने के बाद मैंने घर में आके आप कपड़ों का व्लॉग आपके साथ शेयर किया है। अस्सलाम वालेकुम माय ऑल फ्रेंड्स, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ अपने देसी ड्रेस, जो कि पाकिस्तानी ड्रेस मैंने ईद पे पहने हैं। H&M से जो शॉपिंग की थी वो तो मैंने उसे वॉश करने के लिए रख दिया है क्योंकि जो भी कपड़े बाय करके लाती हूँ उसे वॉश किए बगैर मैं यूज़ नहीं करती। तो पहला मेरा सूट ये है जो कि प्रिंटेड सूट है और इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी है और ये माशाल्लाह से इतना ब्यूटीफुल सूट है, इसके कलर्स अमेजिंग है, ये थ्रेड्स एंड मोटिव्स का है
और ये XL है। बेसिकली मैं तो लार्ज ही पहनती हूँ क्योंकि मैं टाइट कपड़े नहीं पहनती, मैं लूज़ कपड़े पहनती हूँ, लेकिन ये सिर्फ लास्ट ही बचा था और XL और लार्ज में वो बोल रहे थे सिर्फ 1 इंच का डिफरेंस है, इसलिए मुझे फिर XL ही लेना पड़ा। लेकिन मैंने इसकी जो है अंदर सिलाई लगा ली है, तो इसमें ये फ्रंट में बटन्स लगे हुए हैं बहुत ही ज़्यादा प्यारे, और ये इसके आर्म्स हैं, और ये इन लोगों ने ओपन दिया हुआ है, लेकिन मैं जो है इसे बंद कर लूँगी इसके अंदर सिलाई लगा के। और साथ में ये हैंगिंग्स हैं, कपड़ा इन्होंने लगाया हुआ है जो कि बड़ा प्यारा लग रहा है। और ये पूरी शर्ट है इसकी, और इस तरह का इसका प्रिंट है फ्रंट में, और नीचे जो है ये एम्ब्रॉयडरी है जो कि इसको बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल बना देती है और बहुत ही अमेजिंग इसकी, मतलब ये बहुत अमेजिंग सूट है। और ये आई थिंक 10,000 का था और ये 50% डिस्काउंट में मुझे मिला था 5,000 का। और ये इसका बैक है, और ये इसका बैक का प्रिंट है, और माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और वैसे भी समर है और बहुत ज़्यादा हैवी कपड़े पहनने को तो दिल नहीं करेगा, एक हैवी सूट है और एक ये है, अदरवाइज 2-3 अबाई भी बनवाए हैं लेकिन अभी उनको शेयर करने का टाइम नहीं है, उनको मैं ईद के बाद आपके साथ शेयर करूँगी। और इसके साथ ये जो है ये ट्राउज़र है इसका, जो कि फुल मतलब के मॉडर्न और लॉन्ग सा ट्राउज़र है, और मैं आपको दिखाती हूँ कैसा बना हुआ है। ये सिला सिलाया था, मैं मोस्टली कपड़े जो हैं वो स्टिच लेती हूँ क्योंकि मुझे पाकिस्तान में और यहाँ भी टेलरों से कपड़े सिलवाने की बिल्कुल भी कोई आइडिया या सेंस नहीं है। और ये ओपन था, और इसको भी मैं क्लोज कर लूँगी, वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये लंबा है ट्राउज़र और काफ़ी प्यारा लगता है। और ये इसका ट्राउज़र है, नीचे उन्होंने इसके कपड़ा लगाया हुआ है, और ये है माशाल्लाह से इसका दुपट्टा जो कि प्रिंटेड है और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और इसकी एक साइड जो दुपट्टे की है वो येलो है इस तरह से, और दूसरी साइड जो है वो ग्रीन है। तो बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह से ब्यूटीफुल सूट है जो कि मैं इंशाल्लाह ताला ईद के पहले दिन घर में पहनूंगी, और उसके बाद आपको दूसरा अपना सूट दिखाती हूँ वो कौन सा है। तो चलें जी आपको अपना दूसरा सूट दिखाती हूँ। ये जो है ये है मेरा सेकंड डे का सूट जो कि हम लोग इंशाल्लाह ताला कहीं बाहर जाएंगे तो पहनेंगे, और ये माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सूट है ये वाला भी, और ये सफ़ायर का है और मैंने इसे स्टिच करवाया है, मैंने सूट लिया था ये, इसकी मैंने पैचिंग करवाई थी, ये एम्ब्रॉयडरी है और नीचे ये टेलर ने टेसल्स लगाए थे, तो आगे गला टेलर ने इस तरह से बनवा के दिया था, और बहुत ही अच्छा टेलर था जिसने ये सूट मुझे डिज़ाइन करके दिया था। और यहाँ पे भी टेसल्स लगाए थे, और ये आर्म्स है, आर्म्स के आगे भी टेसल्स लगाए थे, एम्ब्रॉयडरी भी हुई हुई है। और इसके साथ जो है ट्राउज़र नहीं था, ये 2 पीस था, और 2 पीस जो है ये आई थिंक 6,000 का था क्योंकि एम्ब्रॉयडरी है, और इसका दुपट्टा बहुत प्यारा है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और ये वाला जो ट्राउज़र है ये मैंने इसके साथ मैचिंग की थी, इसके साथ ट्राउज़र की मैचिंग मुझे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से मिली थी, और ये आई थिंक एथनिक से लिया था मैंने इसका ट्राउज़र। तो ये इसका ट्राउज़र था, और वो शर्ट थी, और ये था इसका दुपट्टा जो कि मैंने बड़ी मुश्किल से इसे ऊपर अटैच किया होगा क्योंकि इसके नीचे जो है मैंने ये वाले टसल्स लगाए हैं और ये बार बार गिरता है, तो ये मैंने इसके 4 साइड्स पे टसल्स लगाए हैं माशाल्लाह से, जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। और ये इसका दामन है, पल्लू है दुपट्टे के। तो ये मेरा सेकंड डे का सूट है जो कि हम इंशाल्लाह ताला कहीं बाहर जाएंगे तो पहनेंगे। तो अभी इनके साथ मैंने क्या क्या ज्वेलरी और चीज़ें पहननी है, बैंगल्स पहननी है या जूते पहनने हैं, मैं वो आपको दिखाती हूँ। तो जब मेरी यहाँ शादी होके आई थी, मुझे नहीं पता था कि यहाँ से भी पाकिस्तानी कपड़े मिलते हैं या नहीं, लेकिन आज से चार पाँच साल पहले मैं जमजम मार्केट में गई थी, तो वहाँ पे तो बहुत ही जे डॉट के साथ कितनी शॉप्स थी जहाँ से आप पाकिस्तानी कपड़े ले सकते हो, और रेप्लिकास भी और ओरिजिनल भी। और अभी तो यहाँ पे निशात भी है, खाड़ी भी है, तो आपको यहाँ पे पाकिस्तानी कपड़ा आराम सुकून से मिल सकता है, अदरवाइज़ आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, तो कोई मुश्किल नहीं है। आप जहाँ भी रहते हैं, अभी तो USA और UK और हर कंट्री में हर चीज़ मिल जाती है, कोई नहीं कह सकता कि भाई हमारी कंट्री में ये चीज़ नहीं मिलती। तो इसका प्लेन है बैक, लेकिन ये कपड़ा मुझे नहीं पता इस कपड़े को क्या कहते हैं, मुसम्मरी कहते हैं या क्या कहते हैं, इसकी बैक है, इस तरह की होती है।
और शाइनिंग है और बहुत ही कंफर्टेबल है। लगता है कि विंटर का कपड़ा है लेकिन विंटर का बिल्कुल नहीं है, समर का है। और इंशाल्लाह ताला से ये पहनेंगे और फिर इंशाल्लाह ताला आपके साथ मैं पिक्चर शेयर करूँगी ये वाला सूट भी पहन के। तो अभी मैं आपको ये रख के दिखा। ओके जी, अभी यहाँ पे मैंने सारी ज्वेलरी निकाल ली है जो कि पहनूंगी और अभी आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले जी मैं आपको दिखाती हूँ अपने साहब जी का सूट। माशाल्लाह से ये मेरे हस्बैंड का सूट है जो कि वो ईद की नमाज के वक्त पहनेंगे। और ये जो है ये अलमीरा का है, वसीम अकरम की सीरीज़ का। तो ये भी मैंने तभी लिया था जब एक साल पहले हम लोग पाकिस्तान गए थे, तो मैंने माशाल्लाह से उनके 5-6 सूट इकट्ठे ले लिए थे जो कि एवरी ईद पे पहन रहे हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली इतने शलवार कमीज़ पहनी नहीं जाती, आदमी भी नहीं पहनते, जुमे वाले दिन ही बस पहनी जाती है। तो ये है मेरी चीज़ें, सूट मैंने सारा आपको दिखा दिया है। और ये है मेरी बैंगल्स जो कि मैं एक हाथ में पहनूंगी और दूसरे हाथ में मैं ये पहनूंगी, और इनके दरमियान जो है वो मैं ये वाली बैंगल्स जो हैं वो लगा लूंगी। ये भी मैं तभी लेकर आई थी और इस तरह की मैं काफ़ी ज़्यादा लेकर आई थी, जिस सूट के साथ मैच होती है वो मैं पहन लेती हूँ। और ये रिंग जो है ये आल्डो की है जो कि मैं लेकर आई हूँ, और ये एक हाथ में पहनूंगी, इसके साथ काफ़ी ज़्यादा मैचिंग हो रही थी इसकी। और एक ये है और ये बालों पे लगाऊंगी, और ये जो है ये इसके साथ काफ़ी ज़्यादा मैच हुआ है, ये भी मेरा पहले का रखा हुआ है। और ये देखें ये इसके साथ आ गया है और ये इसके साथ काफ़ी ज़्यादा मैच हुआ है। और ये इसके साथ पहनूंगी, मैंने ये चार्ली चार्मिंग से लिया हुआ है आई थिंक। तो ये इस सूट के साथ हो गई, और इस सूट के साथ जो है वो मैं ये वाले एयरिंग्स पहनूंगी और ये गले में पहनूंगी, ये बालों के लिए है और ये रिंग्स हैं। और ये एक हाथ में ये जाएगा, ये मैंने अभी आल्डो से लिया है, बहुत ही प्यारा था ये माशाल्लाह से। और ईद पे बहुत कम ऐसा होता है कि मैं मतलब कि बहुत लंबी चौड़ी यहाँ पे शॉपिंग करूँ, मैं हर चीज़ जो है वो पहले ही लेके रख लेती हूँ ताकि ईद पे इतना भागना दौड़ना नहीं पड़े। तो पिछले दोस्त क्योंकि पाकिस्तान चक्कर लग गया था, तो जब पाकिस्तान चक्कर लग जाता है तो इंसान काफ़ी चीज़ें ले आता है, तो फिर काफ़ी चीज़ें घर से ही निकल जाती हैं। देखें अभी नेक्स्ट ईयर तो इंशाल्लाह ताला हर चीज़ लेनी पड़ेगी यहाँ से। तो ये इसके साथ ले लिया है, और ये आईलैशेस हैं इसके साथ, ये वाली मैं बैंगल्स पहनूंगी, और ये कोल्हापुरी जूती है जो इसके साथ जाएगी, अभी बिल्कुल न्यू है जो इसके साथ मैं पहनूंगी। तो ये थी मेरी ईद की ड्रेसिंग और ईद के कपड़े और ईद की ज्वेलरी जो मैं पहनूंगी, ये हस्बैंड की है। उसके अलावा बेटे की मैंने आपको दिखा दी है, और उसके अलावा मैं हस्बैंड के लिए लेकर आई थी जो मैंने उसे उन्हें गिफ्ट किया है, ये मैं और ये एक शर्ट है जो कि मैं लेकर आई हूँ H&M से, और ये हस्बैंड को मैंने की है ईद पे गिफ्ट। और इसके साथ जीन्स ली थी, लेकिन उस जीन्स में जो है वो थोड़ा सा साइज़ का इशू आ गया था, और वो आज हस्बैंड चेंज करवाएंगे। तो ये थे हमारे ईद के कपड़े जो कि इंशाल्लाह ताला हम पहनेंगे, और इसके साथ मेरा जूता जो है वो अभी आने वाला है, शायद मैं कल लेने के लिए जाऊँ। तो ये थी हमारी ड्रेसिंग, ये थे हमारे कपड़े, ये हमारी ज्वेलरी। अल्लाह पाक सबके नसीबों में हर हर चीज़ करे, ईद की खुशियाँ करें, ईद के पहनावे करें। और ईद जिस तरह आती है रमज़ान आता है और फिर चला जाता है, और दिल को एक धचका सा लगता है कि रमज़ान चला गया है, तो इसी तरह ईद की खुशियाँ होती हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है कपड़े दिखाना, चीज़ें दिखाना, पहनना, ईद मनाना। तो अल्लाह पाक सबके नसीबों में खुशियाँ और ईदें करें, और रमज़ान की बरकतें और रहमतें करें, और ईद की खुशियाँ अल्लाह पाक सब के नसीबों में करें। तो बस हमारी ये शॉपिंग थी, जो H&M से चीज़ें ली हैं वो भी इंशाल्लाह ताला पहनी जाएंगी, क्योंकि 4 दिनों की छुट्टियाँ हैं और देखें किस दिन क्या पहना जाता है। तो बेसिकली जो थी वो ईद के लिए ये थी कलेक्शन मेरी, ईद के लिए ये कपड़े थे जो कि मैं पहनूंगी। और ये वाला भी माशाल्लाह से बहुत प्यारा है, इस ब्रेसलेट को भी पहना जाएगा।
तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलती हूँ आपके साथ इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी आपको दुआओं में याद रखती हूँ। और इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।